So here is the industry update for computer hardware and equipments. दोस्तों क्या है वो अपडेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट इंडस्ट्री के सेल्स को ग्रो कर सकता है, प्रॉफिट को बढ़ा सकता है. यस दोस्तों, टुडे कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर. द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर विद अ बजेटरी आउटले ₹17,000 करोड़. जी हाँ दोस्तों, पीएलआई स्कीम के तहत 17,000 करोड़ का एक बजेटरी आउटले पेश किया गया है जो कि आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री को दोस्तों काम लग सकता है. तो सबसे पहले ये भी जानने को बनता है कि व्हाट इज पीएलआई स्कीम इन इंडिया. ये पीएलआई स्कीम क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव और यू कैन से पीएलआई स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स. जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक यूनिट में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाती है उसमें इंक्रीमेंटल सेल्स पे दोस्तों ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम दी जाती है. It is aimed at boosting the manufacturing sector and to reduce import, right? दोस्तों manufacturing sector जो कि धीमा था, merchandise export जो कि slow था, उसको गति में लाने के लिए खास ये PLI स्कीम दोस्तों लॉन्च की गई थी, जिसका पहला चरण हमने ऑलरेडी पहले देखा, जिसका लाभ कई कंपनियों ने उठाया. दोस्तों दूसरे चरण में हमने आईटी हार्डवेयर के लिए जस्ट ये रिसेंट अनाउंसमेंट देखा. तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, व्हाई? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज विटनेस्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ 17% कगार इन लास्ट 8 ईयर्स. जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है भारत की. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 17% के कगार से दोस्तों बढ़ रही है. दोस्तों ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अब तक दोस्तों इंपोर्ट की जाती थी, तो दोस्तों जब इंपोर्ट की जाती है उसकी वजह से ट्रेड डेफिशिएंट रहता है, राइट? तो पिछले कुछ समय में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे दोस्तों काफी वेटेज भारत में देखा है. दिस ईयर इट क्रॉस्ड अ मेजर बेंचमार्क इन प्रोडक्शन. दोस्तों 9,00,000 करोड़ का दोस्तों इस बार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का दोस्तों प्रोडक्शन हुआ है, जो कि कोई डाउट नहीं है शानदार है. इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स. दोस्तों अब तक मोबाइल फोन इंपोर्ट किए जाते थे, जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये पूरे भारत की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पेनेट्रेट होने वाला है. अब इतनी यूटिलिटी की जो प्रोडक्ट है वो जब हम इंपोर्ट करते हैं, और वो भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट हुई, तो दोस्तों इससे लोकल मैन्युफैक्चरर को तो नुकसान होता ही है, अपने देश का भी ट्रेड डेफिशिएट बढ़ता है, राइट? पर यस, पिछले कुछ समय में दोस्तों हमने देखा दोस्तों भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पे काफी भार रखा गया, और देखो आज हम दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं. एक्सपोर्ट्स ऑफ मोबाइल फोन क्रॉस्ड अ मेजर माइलस्टोन ऑफ 90,000 करोड़. जी हाँ दोस्तों, 90,000 करोड़ के दोस्तों हमने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं, जो बिल्कुल हम तो इंपोर्ट करते थे. तो द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज कमिंग टू इंडिया. अभी हाल ही आपने एप्पल को देखा, राइट? सो यस, कमिंग टू इंडिया, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, जो दोस्तों डेफिनेटली मदद करेगा इंपोर्ट कम कराने में, एक्सपोर्ट बढ़ाने में, और देश की जीडीपी दोस्तों बढ़ाने में. बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मोबाइल फोन्स, द यूनियन कैबिनेट टुडे अप्रूव्ड पीएलआई स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर, राइट? सो सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे दोस्तों इसके? PLI Scheme 2.0 for IT Hardware covers laptops. यहाँ दोस्तों क्या कवर कर रहा है ये आप देख लीजिए. Laptops, tablets, all in one PCs,
सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। दोस्तों ये वो सेक्टर है जो कोविड के बाद राइट कोविड के समय पे जबरदस्त ग्रोथ में आया था, क्योंकि अचानक वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये सब बढ़ गया। लेकिन दोस्तों अभी हमने जब कोविड चला गया उसके बाद देखा तो ये लैपटॉप, टैबलेट्स, इन सबके सेल्स अभी दोस्तों इंडिया में नहीं दुनिया भर में प्रेशर में है। पर हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो हमें मिलना है यार। द बजेटरी आउटले ऑफ द स्कीम इज हाउ मच, 17,000 करोड़। कितने टेन्यर का स्कीम है, 6 साल का है। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन क्या है दोस्तों, जो है उसमें 3,35,000 करोड़ का दोस्तों वृद्धि होगी। किस पे एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2430 करोड़। दोस्तों इसे एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 75,000 के करीब दोस्तों होगा। तो यस, जीडीपी के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट दिस थिंग, मोस्ट मेजर्स वुड लाइक टू सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट्स विथ इंडिया फ्रॉम अ फैसिलिटी सिचुएटेड इन इंडिया एज वेल एज मेक इंडिया एन एक्सपोर्ट हब। दोस्तों इंडिया, एज वी हैव रिटन, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर फॉर ऑल ग्लोबल मेजर्स। लार्ज आईटी हार्डवेयर कंपनीज हैव शोन कीन इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। दिस इज फर्दर सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग आईटी सर्विस इंडस्ट्री हैविंग गुड डिमांड विद इन द कंट्री। तो यस, फायदा इससे होना है। नाउ व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स द मोस्ट, दोस्तों आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक मशीनरी इंडिया का 3rd नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो अगर इससे हमारा इंपोर्ट कम होता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, डेफिनेटली दोस्तों ये हर एक चीज के लिए बढ़िया है। जीडीपी बढ़ाने के लिए हो गया हो, इंपोर्ट घटाने के लिए हो गया हो, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हो गया हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गया हो, राइट। सो हमें जानना चाहिए कि भी ये सेक्टर में कौन सी है सबसे बड़ी कंपनियां। ये सब कंपनी है कंप्यूएज इंफोकॉम लिमिटेड, HCL इंफोसिस्टम, डीलिंक, नासेरेब्रा इंटीग्रेटेड, इरिस, असूस इंडिया, ये सब दोस्तों सबसे बड़ी कंपनियों में इनके नाम आते हैं, जिसमें दोस्तों लिस्टेड प्लेयर की भी कंपनियां यहाँ पे लिखी हुई है। नैलको जो कि टाटा की कंपनी है, कंट्रोल प्रिंट, डीलिंक इंडिया, TVS इलेक्ट्रिक, ये सारी दोस्तों लिस्टेड स्पेस है। तो आप देख सकते हो दोस्तों असल में ये सेक्टर में लिस्टेड स्पेस बड़ा ही छोटा है, क्योंकि अब तक ये वो सेक्टर था जो डिकेइंग था। डिकेइंग इसलिए नहीं था कि हार्डवेयर बिकता नहीं है, पर डिकेइंग इसलिए था क्योंकि यही हार्डवेयर बाहर से सस्ता मिल जाता है, तो अपनी कंपनियों को कोई पूछता नहीं, अपनी कंपनियों का डीग्रोथ होता है, इंपोर्ट बढ़ता रहता है, राइट। तो आपने देखा होगा एडिबल ऑयल जैसी प्रोडक्ट जहां पे इंपोर्ट काफी था, तो हमने यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। सिमिलरली ऐसी कई प्रोडक्ट है, हमने टॉयज में बीच में देखा, डिफेंस सेक्टर देखा, राइट। तो वैसे ही दोस्तों हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट भी वो सेक्टर है जहां पे इंपोर्ट ओरिएंटेड हम अभी भारत में है, लोकल कंपनियों की कोई ज्यादा बहुत वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो सारी कंपनियों को मिला लो दोस्तों, खाली 5,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, राइट। व्हाई? बिकॉज जो यहाँ की जो हमारी कंपनियां है वो दोस्तों कंपिटिटिव मार्केट में नहीं टिक पा रही है, राइट। अब ऐसी सब स्कीम्स आएगी, इनसे दोस्तों डेफिनेटली इनको लाभ होगा। दोस्तों सबसे बड़ी हम देख सकते हैं डिक्सन, जिनका नाम वहां पे नहीं है, डिक्सन को दोस्तों अलग सेक्टर में रखा गया है, पर यह डिक्सन भी इसका बेनिफिशियरी है। हमने पहले भी PLI स्कीम में देखा कैसे डिक्सन को PLI स्कीम के लाभ मिले, ग्रोथ भी अच्छा हुआ और आपने डिक्सन के धंधे भी बढ़ते हुए देखे। अभी फिलहाल कोविड चला जाने के बाद, जैसा मैंने बताया कि स्मार्टफोन हो, PC हो, मतलब लैपटॉप हो, इनका ग्रोथ कम हो गया है, तो इसकी इफेक्ट डिक्सन पे आई है। पर ओवरऑल दोस्तों अभी इतने बड़े लिस्ट में से तो सबसे अच्छी कंपनी डिक्सन ही है, राइट। सो हमारा खुद का डिक्सन में निवेश नहीं है, हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, पर ये सेक्टर नहीं हो, राइट। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इसकी एक बेनिफिशियरी हो सकती है। अब अगर आप निवेश करते हो तो सोच सकते हो इसका फायदा डिक्सन को होगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैंने बताया हमारा खुद का निवेश नहीं है, क्योंकि सिर्फ PLI स्कीम से थोड़ी ना हम निवेश करेंगे, राइट। PLI स्कीम का बेनिफिट कई इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर को हुआ है,
नेस्ले ने भी लिया है, एचयूएल ने भी लिया है, राइट। तो कई कंपनियों ने इसके बेनिफिट तो अपने लिए। तो पीएलआई एक बेनिफिशियरी एडिशन है या आपकी कंपनियों को फायदा कराकर, पर ऐसा नहीं है कि मैं स्कीम की वजह से कंपनियों को बाय करूंगा, राइट। आपका लॉन्ग टर्म व्यू अलग होना चाहिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल विच वी डिस्कस्ड अबाउट द लेटेस्ट अपडेट। स्टार्ट लर्निंग विद प्रॉफिट फ्रॉम इट। दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे इन टच। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।